मध्य प्रदेश के बालाघाट की आज की आवाज संवाददाता आशीष भगत की खास रिपोर्ट। बारा सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज पूर्व सांसद कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बस्तियों को लेकर पुतला दहन किया गया। प्रदीप जायसवाल ने बताया कि सांसद भी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचार किया है, अगर अब वे इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुतला दहन के समय पुलिस से छीना झपटी भी हुई। नरोत्तम मिश्रा को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरोत्तम मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो, सालों को। अरे लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो। द्वारा नरोत्तम मिश्रा ये क्या कारण? इसका मुख्य कारण नरोत्तम मिश्रा जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे उनको चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है मामले में। इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो अयोग्यता थी उसके अपील खारिज कर दिया। कुल मिलाकर आज ये अयोग्य न विधायक है न मंत्री, उसके बावजूद अपने पद पर बने। लगातार भाजपा के मंत्री और विधायक विवादित बयानों पर भेजते जा रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दे हो लेकिन सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं करती, क्या कारण? उसका कुल मिला के नैतिकता का अभाव। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना इनको राष्ट्रप्रेम है, देश की आज़ादी में इन्होंने कभी भाग नहीं लिया, और चूँकि राष्ट्र से जुड़े नहीं हैं, इनको देशभक्ति के जज्बा में है नहीं, इसलिए उनके भी नैतिकता का अभाव। उनको कुल मिला के शासन करना है, और कितना भी बड़ा प्रकरण हो जाए, इनके इतने विवादित बयान किसानों के प्रति आ जाए, चारों तरफ उनकी आलोचना हुई, व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बावजूद न तो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, न मुख्यमंत्री द्वारा इनको किसी को हटाया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा का ताज़ा मामला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग घोषित कर दिया उसके बावजूद उनको नहीं हटा रहे, अब तक तो नैतिकता का तो सारी हद पार कर दी सीएम मुख्यमंत्री थे, इसलिए आज न। मध्य प्रदेश के बालाघाट की आशीष भगत की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा पुनः तीसरे सप्ताह वृक्षारोपण का कार्य किया गया एवं रेवादीप दुबे को नगर मंत्री के रूप में मनोनीत किया। बालाघाट नगर के नए थाना प्रभारी प्रशांत यादव को बालाघाट जिले में पदस्थ होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित संभागीय अध्यक्ष राजा उत्कर्ष शुक्ला एवं संभागीय मीडिया प्रभारी वीरेंद्र शिवास, जिला उपाध्यक्ष धनंजय गिरी, शहजादा खान, आशीष पाराशर एवं बालाघाट जिले के समस्त जागरूक युवा साथी सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजा उत्कर्ष शुक्ला, नरेंद्र मोदी विचार मंच से संभागीय अध्यक्ष और चार जिलों का प्रभारी। हेलो, आज के दिनांक में हमने वृक्षारोपण का कार्य किया है, जैसे कि हमने आजीवन वृक्षारोपण करने का प्रण लिया था, उसी प्रकार हमारे समस्त युवा भाई नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एवं